Good morning, 7th class. I hope you all are good. So today we will start our new chapter, chapter number 30, messages. Messages, आपको पता है क्या होता है? Like messages, आपके short notes होते हैं. Communication of short notes, like जो आप अपने family को, friends को या colleagues को लिखते हैं. Colleagues मतलब जो आपके साथ काम करते हैं. So like any workmate, like you can write. और मैसेजेस की ख़ास बात ये होती है, स्पेशल बात ये होती है कि ये हमेशा शॉर्ट होता है, यानी कि इसे ज़्यादा बड़ा लेटर की तरह या इससे राइटिंग की तरह नहीं लिखा जाता है. इसमें सिर्फ वही पॉइंट्स लिखे जाते हैं जो बिल्कुल मेन हैं, और या फिर हम जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसको सिर्फ वही मेन लाइन जिससे वो मैसेज समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हम उस मैसेजेस में लिखते हैं. और वर्ड लिमिट इसकी सिर्फ 50 वर्ड्स होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं. ठीक है, अब आप देखिए फीचर्स ऑफ एन इफ़ेक्टिव मैसेज. फीचर्स क्या क्या होने चाहिए इफ़ेक्टिव मैसेज के? सबसे पहले डेट एंड टाइम, कि जब भी आप कोई मैसेज लिख रहे हैं तो उसमें अगर कोई डेट या टाइम से रिलेटेड कोई लाइन है जो कि हमें उसे मेंशन करना है, टाइम मेंशन करना है या डेट मेंशन करना है, तो वो ज़रूर होना चाहिए. उस पर्सन का नेम ज़रूर होना चाहिए जिसको हम लेटर, जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं, राइट? चाहे इफ़ यू आर राइटिंग टू योर डैड, इफ़ यू आर राइटिंग टू योर मॉम, इफ़ यू आर राइटिंग टू योर ब्रदर सिस्टर, एनीवन, सो उसका नेम ज़रूर मेंशन करना है. नेम के साथ अगर आप जो उसकी डेजिग्नेशन मेंशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं आप. ठीक है, नेक्स्ट है द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके पर्पज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, वही सेम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होने चाहिए. सपोर्टिंग डिटेल्स इन द सेंस, अगर आपको लगता है कि मैसेज से रिलेटेड कुछ और एक दो लाइन और ऐड ऑन होनी चाहिए तो वो ऐड लाइन भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं. और लास्ट में आपका नेम आपको अपने मैसेजेस में लिखना है. सो दैट्स हाउ यू विल राइट योर मैसेज. ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर गुड. सो ठीक है, सो यू विल डू दिस वर्क. आपको एक मैसेज दिया गया है तो वो आपको मैसेज लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Okay, thank you.